बहुमत के बाद भी त्योंथर नगर परिषद चुनाव से कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णावती विद्यासागर शुक्ला ने भाजपा के जबड़े से खींचकर दो मतों से जीत हासिल करके सबको चकित कर दिया। बता दें कि त्योंथर नगर परिषद कुल 15 पार्षदों वाली नगर परिषद में 7 भाजपा, 3 कांग्रेस, 1 बसपा एवं 4 निर्दलीय पार्षद चुने गए थे, लेकिन भाजपा के पास 7 पार्षद एवं 1 निर्दलीय सहित पूर्ण बहुमत था। लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार कृष्णावती शुक्ला, जो कि कांग्रेसी होते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता, वहीं इनके पति विद्यासागर शुक्ला उर्फ लाला शुक्ला भी दूसरे वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भारी मतों से जीत दर्ज की। वहीं पति पत्नी पुराने कांग्रेसी होने के कारण कांग्रेस ने नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार बनाया, जिस पर कांग्रेस के उम्मीद पर खड़े उतरते हुए 2 मतों से जीत हासिल की। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस ने वोटिंग के दौरान भाजपा में सेंधमारी करते हुए भाजपा को 2 मतों से पराजित करके त्योंथर नगर परिषद में जीत का परचम लहराया। रीवा त्योंथर से नावेद खान की रिपोर्ट। मैं अपने जनता को पहली बधाई दूंगी, जो मेरे जनता है वो मेरे साथ है, उन्हीं की वजह से मैं इतनी दूर तक पहुंची हूँ, उन्हीं के लिए मैं जो करूँगी उन्हीं के लिए। जनता जब वोट डाल रही थी तो कई समस्याएं बताए हैं, तो एक बहुत सारी काफी जो है आप लगा भी जब पूर्ण हुए थे तो उत्तर में विकास की चौमुखी विकास धारा बही थी, इस बार क्या सुना है? जो विकास मैं नहीं कर पाई वो विकास मैं इस बार करूँगी, जो मुझसे छूटी हुई है, जो मुझसे गलती हुई होगी उसको मैं सुधारूंगी। जैसे आने वाले समय में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, तो अब जब लड़ी हूँ तो सामना तो करूँगी ना, पब्लिक मेरे साथ है, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे सब साथ है, तो मैं सब सामना करूँगी, हंसते हंसते करूँगी। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा है, ये रणनीति पार्टी की नहीं थी, ये रणनीति जो थी त्योंथर नगर पंचायत की जनता जनार्दन की रणनीति थी। उस जनता जनार्दन की रणनीति का परिणाम आपको मिला है देखने के लिए कि कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार श्रीमती कृष्णावती शुक्ला जो है यहाँ से जीती हैं। और जैसा अभी हमारे आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि ये जो वर्तमान दौर है, उस वर्तमान दौर में त्योंथर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि त्योंथर की जनता ने सही तरीके से लोकतंत्र को परिभाषित करने का काम किया है। आपने भी पूछा कि उपाध्यक्ष आपका नहीं बना, ये सच्चे लोकतंत्र का प्रतीक है ये परिणाम आना, और निर्दलीय हमारे एक साथी उपाध्यक्ष बने, मैं उनको बधाई देता हूं। और इस उम्मीद के साथ मैं भी रास्ते में कह रहा था कि आज परिणाम आ गया, कुछ ही दिनों में 5 साल बीत जाएंगे, इन 5 सालों का जनता के हितों के लिए अच्छा उपयोग करना है, जिससे ये 5 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल हो भाई हमारी बहन कृष्णावती जी का और आप सब की जनता का। आने वाले 2023 अब नज़दीक आ रहा है और विधानसभा चुनाव, तो इसमें क्या रणनीति होगी, इसका ये आज जो चुनाव हुआ है इसका प्रभाव 2023 में पड़ेगा? देखिए, हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश की जनता, जिले की जनता भाजपा को समझ गई है, हमारा देश पूरी तरह से बिक गया है, हमारे जो डिपॉजिट जो हमारा है सोना है विश्व बैंक में, वो हम सब गिरवी मोदी जी ने कर दिया है। आपको ध्यान होगा जितना कर्जा हिंदुस्तान के अंदर पिछले 8 सालों तक था उससे दोगुना कर्जा लगभग इन 8 सालों में हो गया है। तो देश और प्रदेश के हालात आपके छिपे नहीं हैं और प्रदेश की जनता हर चीज़ों से वाकिफ़ है कि हमारा आज मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला बच्चा 45,000 रुपये कर्जदार पैदा हो रहा है। यह है विकास भाजपा का, असली विकास। आने 2023 में क्या 2023 में जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो हमारे परिणाम आए हैं, भाजपा ने हालांकि धनबल के माध्यम से और प्रशासनिक दबाव के दम पर बहुत कुछ परिणाम प्रभावित करने का काम किया है, लेकिन जो जनतंत्र का जो निर्णय आया, जनता जो निर्णय आया है, चाहे जनपद सदस्य के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य के रूप में हो, चाहे नगरीय क्षेत्र में हो, वो एक ऐसा जनादेश आया है जिससे लगता है 2023 में जनता ही सरकार को बदलेगी और एक अच्छी सरकार कांग्रेस के रूप में आने वाले समय 2023 में ले आएगी। भाजपा के जैसे 7 वार्ड पार्षद को आपके काम से, तो इस सफलता को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, हमारी रणनीति का एक हिस्सा था कि हमने सिंबल से कुछ साथियों को लड़ाया, कुछ साथियों को हम लोगों ने बगैर सिंबल से भी लड़ाया। जो हमारे उम्मीदवार जीती हैं वो हमारे कांग्रेस परिवार की है, तो एक रणनीति का हमारा हिस्सा था जिसके खुलासा मैं नहीं कर सकता हूँ, पर हमको इसी परिणाम की प्रतीक्षा थी, उसके पीछे वो तमाम हमारे प्रयास थे जो आपको आज जीत के रूप में दिख रहे हैं। कल जैसे चाकघाट नगर परिषद का चुनाव है तो उसमें क्या उम्मीद बांध के चल रहे हैं? देखिए, आपके पास भी खबर होगी कि भाजपा ने वहाँ लगभग 9 लोगों को पैक कर दिया।